जो बाइडेन का हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे हमारे लिए। अगर तारीख में आप जाएं तो रिपब्लिकन हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो भी दोस्त नहीं रहे हमारे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे ज्यादा नहीं पड़ेगा कोई भी सदर आ जाए। और फिर भारत में इन्वेस्टमेंट, भारत से दिफाई तआवुन, भारत से मिसाइल्स का तआवुन, भारत से फ्रांस के जरिए तैयारों का तआवुन। पाक अमरीका ताल्लुकात नए इलेक्ट होने वाले सदर के हवाले से किस रास्ते पर जा सकते हैं और क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, या फिर मामलात वहीं के वहीं रहेंगे जैसे कि माजी में और डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए रहे थे, जिसमें इमिग्रेशन के मामलात होंगे और इसके अलावा हम देखेंगे पाक अमरीका के अपने पोलिटिकल मामलात, अफगान जंग, क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा ट्रेड पर भी बात होगी। ठीक है, एनबीसी। देखिए, ट्रंप साहब ने जो हरकतें की हैं वो तो बात सबके सामने बहुत क्लियर है। 11 पैक्ट्स हैं जिनसे वो निकले हैं, जिनमें पेरिस एग्रीमेंट भी है, WTO, WTO भी है और ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है, उसके अलावा इंटरमीडिएट मिसाइल का एग्रीमेंट भी शामिल है। चीन से उन्होंने टैरिफ पे झगड़ा मोल लिया और उसके बाद पीछे हट गए। फिर बहुत से मसाइल उन्होंने खुद खड़े किए। सबसे बड़ा मसला इमिग्रेशन का था जी, जो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत ख़राब कर गया। कालों का मसला था, ब्लैक्स का मसला था जो उनको बर्बाद कर गया। और कल रात तक की जो इत्तलात है, मेरे बहुत दोस्त हैं इस वक्त जो ऑन असाइनमेंट वहाँ मौजूद हैं और वो जो बता रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल है, चाहे वो कालों का इलाका हो, गोरों का इलाका हो। वोट बहुत पड़ गए हैं, 9,50,00,000 वोट तो पड़ चुके हैं अब तक। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि और ये पिछले वक्त से 30% ज्यादा है। 30% जी हाँ, 30% ज्यादा है। जितने वोट पड़ेंगे उतना फायदा जो बाइडेन को होगा। अब आ जाए जो बाइडेन का, हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे हमारे लिए। अगर तारीख में आप जाएं तो रिपब्लिकन हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो भी दोस्त नहीं रहे हमारे। उन्होंने भी हिंदुस्तान को चुन लिया है। और ये चुनाव आज नहीं हुआ, चुनाव अब क्लिंटन से पहले हो गया था। क्लिंटन का दौरा हिंदुस्तान और फिर हमारे यहाँ एक घंटे के लिए आना, वो भी पर्दे में, नकाब में, वो आना टीवी पर खिताब करना और चले जाना, वो वाजे कर गया था कि दुनिया कहाँ जा रही है। ओबामा आए, ओबामा ने कहा कि बरसग़ीर में अमन का रास्ता कश्मीर से गुजरता है। अब पेंटागन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कश्मीर से गुजरता है। जब वो प्रेजेंट हो गए, मुंतखब हो गए, तो वो रास्ता ही भूल गए, वो कश्मीर को ही भूल गए। वो उन्होंने हरफ़ गल की तरह मिटा दिया। और फिर भारत में इन्वेस्टमेंट, भारत से दिफाई तआवुन, भारत से मिसाइल्स का तआवुन, भारत से फ्रांस के जरिए तैयारों का तआवुन, इसी तरह चले। आप ही को कमेंट को लेके मैं जरा बुखारी साहब के पास जाती हूं, जो आपने ट्रेड के हवाले से बात की है, ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की है, इसमें फलस्तीन और इसराइल को भी जरा बुखारी साहब शामिल कर लें आप, चीन और रूस को भी जरा शामिल करें, वो वाला मामला भी, और ये भी बता दें कि जो बाइडन या ट्रंप कौन बेटर है। देखिए, जो एग्ज़िट पोल्स का रिज़ल्ट आज लेटेस्ट जो आया है उसमें तो इंडिकेशंस यही हैं कि बाइडन की फेवर में जा रहा है, क्योंकि ऐसी स्टेट में एग्ज़िट पोल्स जहां पे कुछ दिन पहले ट्रंप की बर्तरी थी, वहां भी एग्ज़िट पोल ये इंडिकेट कर रहा है कि बाइडन वहां पे बर्तरी में है। तो एक चीज़ तो ये इंडिकेशंस ही होती हैं जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हो सकता है। तो फेवरेबल हालात हैं बाइडन के लिए। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है और कौन कम बेहतर है, उसमें सिर्फ एक बात जैसे हाँ। जनरल साहब ने फरमाया और नासिर भाई ने, कि पाकिस्तान की अफादियत अमेरिका के लिए किस वक्त कितनी होती है, इस पे डिपेंड करता है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है। आप अफगान जिहाद से लेके वॉर ऑन टेरर ले लीजिए, हम उनके ब्लू आइट बॉयज थे, हमारे बड़े बेमिसाल ताल्लुकात थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, बड़े बेमिसाल ताल्लुकात थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में ही हमने उन ताल्लुकात को ख़राब होते भी देखा, चूँकि हमारी ज़रूरत थोड़ी सी कम हो गई थी या फिर वो डू मोर के मुतालबात जो थे वो चल रहे थे। तो अभी भी चूँकि एक नए ब्लॉक बन रहे हैं और हम जा रहे हैं चाइना और रशियन ब्लॉक की तरफ, अमेरिका हमें पुल बैक करने की कोशिश कर अच्छा, रहा है। अच्छा बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका पॉइंट आगे, मैंने आगे चल के छोटा सा सवाल शामिल करना है, इसलिए मैं बस इस पे मुख्तसर से कमेंट्स ले रही हूँ। किसकी जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती है और कौन सा उम्मीदवार सामने सदर बनकर आ सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त मसला ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इन इंतखाबात के नतीजे को मानेंगे, इसलिए कि बार बार उन्होंने इस किस्म का अंदिया दिया है कि अगर इंतखाबात मेरे उनका नतीजा मेरे खिलाफ आता है तो मैं उसको नहीं मानूंगा। इस वक्त उनकी बयानियां, उनका बयानिया भी एग्जैक्टली वही है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था। वो कह रहे हैं कि खलाई मखलूक मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, डीप स्टेट मेरे खिलाफ झूठी खबरें लगवा रही है, FBI मेरे खिलाफ लीक्स कर रही है। हुआ यह है कि अमेरिका की भी तारीख में पहली दफा एक ताजिर वहां पे सदर बन गया, अपने बेटे को बेटी को लगा दिया, अपने दामाद को लगा दिया, रियासत की तरफ से रेजिस्टेंस आया अदारों की जानिब से, तो वो भी ये कह रहे हैं कि पूरी रियासत इस वक्त मेरी है। ठीक है, तो आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।